हिमाचल प्रदेश में स्थिति सांघातिक लगाण वर्षा और भूस्खलन जो तास घर पर भुशुड़ी पड़ुछे घर एपर्यंत हिमाचल में 60 रु अधिक लोकंकर जीवन गला गतकाल सिमलारे तास घर पर भुशुड़ी पड़ा भग्नावशेषर तीन जनकर मृतदेह उधार होपरी भुशुड़ी पड़ता शिव मंदिर भग्नावशेषर गोटे मृतदेह उधार करर आउ एक भूस्खलन में दुईज मृत्यु घटी सिमलार कृष्णनगर अंचल भूस्खलन पर 6 अस्थायी घर समेत अति कम्रे 8 घर भुशुड़ी पड़ा एठारे मध्य चापी हो जड़े व्यक्ति जीवन जाइए सोमवार ठार् समुदाय 19 मृतदेह उद्धार कर समर हिल शिव मंदिर स्थल में 12 फगली 5 जन एवं कृष्णनगर 2 मृतदेह उद्धार कर दृष्टि रखि आज स्थानीय अंचल समस्त स्कूल और कॉलेज को छुट्टी घोषणा कर सहित आसंता 19 पर्यंत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बंद रखा एनडीआरएफ एवं सेना सह पुलिस एवं एसडीआरएफ पक्षर सिमला हिल रे उधार कार्य जारी रही आगामी 2 दिन पर्यंत हिमाचल प्रदेश में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग तेणु स्थिति आहुरी बिगड़वा नहीं आशंका देखा दी तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और आज इस लैंडस्लाइड में जबकि हमने घर खाली करवा दिए थे हम गलती कर जाते हैं मुझे लगता है कि 2 की मृत्यु यह निश्चित है एक का शव मिल चुका है एक का टांग हमें नजर आ रही है उस शव को निकाल रहे हैं और तकरीबन पिछले कल 51 मौतें हुई थी आज 9 मौतों की पुष्टि और हुई है हमारा आंकड़ा है जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज हो सकती हैं जिसमें से जो 12 बॉडीज हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास 22 लोगों के करीब है जो कन्फर्म्ड है और उनका ही मिसिंग रिपोर्ट अभी तक हमको मोहल्ले से यहाँ से मिला है कि लोग हैं नहीं और उसमें से हम 12 लोग निकाल पाए हैं ये रेस्क्यू टीम जो 12 लोग निकाल पाई है उसमें एक बॉडी जो है अनआइडेंटिफाइड मिली है जिसको पहचानना अभी थोड़ा मुश्किल सा है मे बी वो स्टूडेंट हो सकता है या कहीं बाहर से बालून की तरफ से आया है लेकिन उसके भी अभी तक जो है प्रशासन जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है।